दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोटेंसी के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक के लिए। तो इम्पोटेंसी नपुंसकता जिसको बोला जाता है, इसमें आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी आपको हो सकता है कि इरेक्शन ठीक से ना आए, या फिर अर्ली इजेकुलेशन की आपको प्रॉब्लम हो सकती है, प्रीमेच्योर इजेकुलेशन जिसको बोला जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसन है, बहुत सारी पेटेंट मेडिसन है, बहुत सारी सिंगल मेडिसन भी हैं। तो हर डॉक्टर का अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, हर पेशेंट का अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। ऐसा नहीं बोला जा सकता कि ये मेडिसन है और ये सब पे ही 100% काम करेगी, ठीक है, ऐसा नहीं है। किसी भी बीमारी में ऐसा नहीं है, खास करके होम्योपैथी में किसी भी बीमारी में कोई भी चीज़ ऐसी स्पेसिफिक नहीं है। बट यहाँ पर दो मेडिसन आप लाएंगे जो कि मैंने अपने बहुत सारे पेशेंट्स को दी है, तो लगभग कुछ अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं। औरों की कंपेयरिंग में हम देखते हैं, और मेडिसिन की कंपेयरिंग में हम देखते हैं, और पेटेंट मेडिसिन की कंपेयरिंग में हम देखते हैं। तो सेक्स की कोई भी बीमारी है, आप इसमें दो मेडिसिन लाइए। पहली मेडिसिन है डामियाना प्लांट, ठीक है, डामिया प्लांट आप जर्मन की लाइए, एक शीशी आपको मिलेगी। आई होप शायद आपने यूज़ की हो, लेकिन आप वीडियो पूरा आप सुन लीजिए कि यहाँ पे मैं आगे क्या चीज़ बताने वाला हूँ, किस चीज़ के साथ आपको लेनी है, कैसा कॉम्बिनेशन आपको यूज़ करना है। तो 20 ml की आप इसके ड्रॉप लाएंगे, 20 ml की आपको शीशी मिलेगी, लगभग 550 रुपये की आपको मिल जाएगी। कहाँ कहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में आप ले सकते हैं इसको। वीकनेस अगर आपको बहुत ज़्यादा है, कमजोरी बहुत ज़्यादा है, नर्वस डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। नर्वस डिप्रेशन का कैसे पता लगता है कि हम कई जगह नई जगह पे हम जा रहे हैं तो हमें इरेक्शन आनी बंद हो जाए, किसी दूसरी महिला के पास जाते तो इरेक्शन आनी बंद हो जाए, तो वो नर्वसनेस एक पेशेंट को होती है। और प्रीमेच्योर एजुकुलेशन में बहुत जल्दी उसका डिस्चार्ज हो जाए इस तरह की कंडीशन में भी, और थोड़ा बहुत इम्यूनिटी के लिए उन्होंने लिखा हुआ है। तो इसके अंदर हम मेडिसन्स की हम बात कर लेते हैं। ये जर्मनी की मेडिसन है, तो थोड़ी कॉस्टली मेडिसिन तो है। तो जिनको लॉस ऑफ लिबिडो की प्रॉब्लम हो रही है, सेक्सुअल वीकनेस हो रही है, इम्पोटेंसी हो रही है, ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। मेडिसन की हम बात कर लेते हैं, इसमें डामियाना 1x में, जिनसेंग 1x, एग्नस कास्टस 2x, न्यूफोल्यूटिया 2x एंड म्यूरिया प्यूमा 1x, ये मेडिसन का कंपोजिशन उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। ट्रीट इम्पोटेंसी, सेक्सुअल वीकनेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने लिखी हुई हैं, ठीक है। लीक ऑफ इरेक्शन, लीक ऑफ लिबिडो, लॉस ऑफ प्रोस्टेटिक फ्लूइड, मतलब थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज होता रहता है पेशेंट को, कोई गंदी चीज़ देख ले तो उसके साथ उसको ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाता है, तो इस तरह के मामलों में हम पेशेंट को मेडिसिन दे सकते हैं, ठीक है। तो इसकी मैं डोज आपको बता देता हूँ, इसकी आपने 20 बूंदी 20 ड्रॉप्स आपने एक बार में लेनी है, दिन में 3 बार आपको इस्तेमाल करनी है, सुबह दोपहर शाम, खाना खाने के बाद आप इसको इस्तेमाल कीजिए, थोड़े से पानी में आप इसको डाल दीजिए, ठीक है। ये है दोस्तों पहली मेडिसिन। सेकेंड मेडिसिन दोस्तों आपको इसके साथ इस्तेमाल करनी है, डाबर के शिलाजीत कैप्सूल आते हैं, कोई भी उनका साइड इफेक्ट नहीं है, दोनों मेडिसिन लेने का कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत लंबे समय से मैं अपनी प्रैक्टिस में चला रहा हूँ, खास करके इस तरीके की जो दवाइयाँ होती हैं, इससे पहले मैंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं, तो ये थोड़ा सही कॉम्बिनेशन है जो कि नुकसान नहीं देता है, और थोड़ा 20-30% अच्छे रिजल्ट ये सामने लाता है। तो डाबर के शिलाजीत कैप्सूल आप ला सकते हैं, आपके आसपास जो भी मेडिकल स्टोर हैं, इवन एलोपैथिक मेडिकल स्टोर है, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो और ये डाबर की मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, शिलाजीत कैप्सूल आप लाइए। तो आप इसको लाएंगे और इसको आपने लेना है, एक एक कैप्सूल सुबह शाम आपको लेना है, ठीक है। डोज मैंने आपको बता दी है, एक कैप्सूल सुबह में लीजिए कुछ खाने के बाद, एक कैप्सूल आप शाम में लीजिए। सुबह वाला कैप्सूल आप जो है पानी के साथ लीजिए, नॉर्मल पानी के साथ, शाम वाला या रात वाला कैप्सूल आप थोड़े गुनगुने दूध के साथ लीजिए। कंटिन्यू में आप इन मेडिसिंस का सेवन कीजिए, कंटिन्यू में आप लीजिए। लगभग 30 कैप्सूल तो आप डाबर शिलाजीत के लिए आइए और एक शीशी आप इसके लिए आइए, तो दोनों मेडिसिन साथ साथ चल जाएंगी 15 से 20 दिन, ठीक है। ये है दोस्तों मेडिसिन जो आपको इस्तेमाल करनी है। थोड़ा डिटेल में और मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। डाबर शिलाजीत कैप्सूल आप लाएंगे तो इसकी बोतल भी आती है 100 कैप्सूल की, जो कि आपको 550 रुपये की मिलेगी। स्ट्रिप फॉर्म में भी आती है, मैं बोलता हूँ आपको पहले आप स्ट्रिप ले आइए, लगभग 30 कैप्सूल की आप स्ट्रिप ले आइए, ठीक है। 30 कैप्सूल आपको 160 रुपये के मिल जाएंगे, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। तो ये जो मेडिसिन है आयुर्वेदिक है, प्योरली आयुर्वेदिक है, और ये आपके वाइगर को बढ़ाने के लिए, वाइटिलिटी को बढ़ाने के लिए, स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, इनफर्टिलिटी के केस में भी आप ले सकते हैं, और वीकनेस के लिए, और आपकी जो पावर है उसको बढ़ाने के लिए आप इस कैप्सूल को ले सकते हैं, ठीक है। रॉ शिलाजीत एक्सट्रैक्ट इसके अंदर इन्होंने दिया हुआ है 500 मिलीग्राम में, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये दोनों दवाइयाँ ले लीजिए। जो सुबह वाला कैप्सूल है उसको आप नॉर्मल पानी के साथ ले लीजिए, जो रात वाला कैप्सूल है उसको आप गुनगुने दूध के साथ ले लीजिए।
कम से कम आपको 7 से 8 दिन में ही रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे, अच्छे रिजल्ट आपको दिख जाएंगे 7-8 दिन में ही। बस कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपको प्रोटीन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा बढ़ानी है, कोई एडिक्शन आप करते हैं अगर एक्सेसिव में स्मोकिंग करते हैं आप उसको बंद कर दीजिए, उससे भी इम्पोटेंसी पेशेंट को आती है। अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, आप उसको भी बंद कर दीजिए, उससे भी हमारी बॉडी पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और हमारी जो डिज़ायर है वो भी कम होनी शुरू हो जाती है। स्ट्रेस से जो है आप काफ़ी दूर रहिए, स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर होता है मेंटली हम देखते हैं तो स्ट्रेस काफ़ी बड़ा फैक्टर होता है जहाँ पे इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम पेशेंट को हो रही है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, ये दो में मेडिसिन लीजिए, इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कंटिन्यू में लीजिए। 20 डेज आप लेंगे, आपको अगर असर लगता है 20-30% तो आप इनको कंटिन्यू 3 महीने तक भी ले सकते हैं। इसके साथ अगर आप और कोई मेडिसिन लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं, गैप आप कर लीजिए आधे घंटे का। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।